अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप भी फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। जी डियर व्यूअर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फेसबुक की मदद से किस तरह से बिजनेस पेज को एक्सेस करेंगे और उसकी मदद से जो वीडियो वगैरह है उसको अपलोड करना सीखेंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इससे पिछले वीडियो में हमने फेसबुक की जो सेटिंग्स देखी थी उसमें फेसबुक को क्रिएट करना और फेसबुक का पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद जो फेसबुक की मज़ीद सेटिंग्स थी जिसमें फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन और उसके कवर और बैनर इमेज को सेट करना देखा था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर वो वीडियोस मौजूद हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में देखें तो प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ आप अगर ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस सीखना चाहें तो हमारे चैनल पर वो वीडियोज़ भी इन डिटेल मौजूद हैं। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फेसबुक पेज को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक बिजनेस या फिर बिजनेस फेसबुक। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर तो आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होंगे, जिसमें आप यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई और लिंक शो हो रहा है तो आपने इस नेम को याद रखना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फिर business.facebook.com। ये वाला लिंक जो है ऑफिशियल है फेसबुक का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आप अपने पेज की मज़ीद सेटिंग्स जो हैं उसको सेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अगर तो आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं तो आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं आपके पेज को लाइक करने के लिए। अब जबकि हमारे जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल न्यू है, उस पे हमने कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं किया और इसको हमने डिलीट भी करना है तो हम यहाँ पर इसको इन्वाइट फ्रेंड नहीं कर सकते। अगर आपके पास फ्रेंड्स मौजूद हैं तो आप यहाँ पर इसको इनवाइट फ्रेंड के ऊपर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो आपके पेज को लाइक कर सकें। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सेम लाइक वर्डप्रेस, आपको यहाँ पे मेन्यू दिखेगा जिसमें आपके पेज के नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और जो कंटेंट है आपके पेज का उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनसाइट्स और आर टूल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, जिसमें बिजनेस फीड से लेके आपकी पेमेंट्स तक सारी डिटेल्स आपको शो होंगी। यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो भी आपके पेज पे अवेलेबल हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। हमारा अभी का मकसद जस्ट यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि आप किस तरह से एक वीडियो को अपलोड कर सकते हैं अपने पेज पर। तो यहाँ पे देखें हमारा जो कंटेंट है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनेज योर मार्केटिंग कंटेंट, मतलब जो भी पोस्ट आप करेंगे या जो भी वीडियोस आप अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और इससे नीचे अगर आप अपने पेज पे कोई ऐड रन कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे नीचे आप मज़ीद चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनकी मदद से आप अपने पेज को ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस और वापस आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पोस्ट पे। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी जिसमें हम अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी का हमारा मकसद जो है वो एक वीडियो ऐड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड वीडियो। अगर तो हमने इमेज अपलोड करनी है उसके लिए हम यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। अभी हम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। और इसके अलावा आप जो मज़ीद फंक्शंस हैं आप यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिस तरह अपलोड वीडियो एंड एडिट, मतलब आप एक वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर।
और क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेजेस। अगर आपके पास इमेजेस हैं आप उनकी मदद से एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो भी वीडियो हमने अपलोड करनी है उसको हम चूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये वीडियो हमारी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी जो मज़ीद सेटिंग्स हैं उसको परफॉर्म करेंगे, जिसमें इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन शामिल है। आपने जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी है तो कोशिश करनी है कि आपकी वीडियो में हमेशा हैश टैग्स मौजूद हों आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें आप मज़ीद जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं अगर आप अपनी वीडियो का साइज़ कम करना चाहें। तो अभी हम यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद इसका जो टेक्स्ट है उसको मेंशन करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें कि हमारे सामने जो टेक्स्ट ऑप्शन है उसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो भी हमारी वीडियो है। जिस तरह यहाँ पे हम अभी जस्ट टाइप कर दें किड पोएम और इसको दो चार हैशटैग यूज़ कर दें अगर कोई से भी, तो इस तरह आप अपने हैशटैग भी यूज़ करेंगे आपकी वीडियो के रिलेटेड, जो आपकी वीडियो के रिलेटेड होंगे। तो इसको ऐड करने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है उसमें है कि आप अपनी वीडियो को फ़ौरन से पब्लिश करना चाहते हैं या फिर स्केजुअल करना चाहते हैं। अगर तो आप अपनी वीडियो को बाद के लिए पोस्ट करना चाहें तो उसमें आप यहाँ पे सेट डेट एंड टाइम करेंगे, और या फिर आप यहाँ पे इसको फिनिश लेटर पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा मकसद इस वीडियो को पब्लिश करना नहीं, तो हम इसको बाद के लिए अपडेट करते हैं। तो इसको हम पब्लिश 28/2 पे क्लिक करके स्केजुअल करेंगे। तो जैसे ही हम स्केजुअल करेंगे हमारी ये वीडियो जो है वो पोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें अगर डन, और यहाँ पे अगर हम अगेन कंटेंट पे आएँ, कंटेंट पे आने के बाद ये वीडियो हमारी स्केजुअल पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखें ये वाली जो पोस्ट हैं ये वो हैं जो हमने पोस्ट की हुई हैं, मतलब ये वाली सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो पब्लिश्ड हैं। और यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जिस तरह ये पोस्ट आपकी कितने लोगों तक पहुँची और उसके बाद इंगेजमेंट्स कितनी हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स कितने हैं, और उसके बाद कमेंट्स और शेयर्स वगैरह। अगर आपकी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हों तो आपको यहाँ पे मज़ीद जो टैब्स हैं कॉलम्स में आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको मिनट्स वाच और उसके बाद जो कुछ मज़ीद चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी। अगर हम स्केजुअल पे आएँ, स्केजुअल पे आने के बाद आपको हमारी जो वीडियो है वो आपको दिखाई देगी, जिसको आप यहाँ पे अगेन एडिट कर सकते हैं अगर आप एडिट करना चाहें। आप जस्ट यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और एडिट पोस्ट पे क्लिक करके इसको अगेन एडिट भी कर सकते हैं। तो देखें अगेन हमारे पास वही वाली जो चीज़ें हैं वो सारी शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे इसको अगर पब्लिश करना चाहें जस्ट आप इसको चूज़ करेंगे, और चूज़ करने के बाद इसका जो फॉर्मेट है वो सेट करेंगे, मतलब इसकी डेट वगैरह। तो जैसे ही ये आप सेट करेंगे तो इसको स्केड्यूल करेंगे तो ये 10:12 PM पे पब्लिश हो जाएगी। तो अगेन हम यहाँ पे इसको कैंसिल ही करेंगे, कैंसिल करने के बाद डिस्कार्ड चेंजेस, अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डिलीट पोस्ट, जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो ये पोस्ट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। आप भी किसी भी वीडियो को इसी तरह डिलीट कर सकते हैं जो भी आपके पेज पे मौजूद हो। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करेंगे ये वाली जो पोस्ट है वो हमारे जो सेक्शन से डिलीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।